हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न सीएस। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेजेस ऑफ कंपाइलर की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंपाइलर क्या होता है और कैसे एक प्रोग्राम को लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। सो दीज आर द फेजेस ऑफ कंपाइलर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोर्स कोड इज गिवन टू द लेक्सिकल एनालिसिस फेज, देन टू सिंटेक्स एनालिसिस फेज, देन सिमेंटिक एनालिसिस फेज, देन टू इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन। फाइनली वी गेट द टारगेट कोड। बट ईच फेज इज कनेक्टेड टू द एरर हैंडलर। एरर हैंडलर क्या करता है? इट जनरेट्स द एरर मैसेज एट ईच फेज। अगर आपने लेक्सिकल एनालिसिस फेज पे कोई एरर किया है तो ये आपको रिपोर्ट करेगा। सिमिलरली सिंटेक्स एनालिसिस फेज में कोई एरर है, पार्स ट्री में कोई एरर है तो ये आपको एरर रिपोर्ट करेगा। सिमिलरली सिंबल टेबल इज कनेक्टेड टू ऑल द फेजेस। सिंबल टेबल क्या है? ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसे हम यूज करते हैं टू स्टोर द ऑब्जेक्ट, टू स्टोर द आइडेंटिफायर्स एंड देयर values। अब हर फेज का देखते हैं कौन सा फेज क्या काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस फेज को स्कैनर भी कहा जाता है। ये NFA, DFA और रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है। मेन पर्पस क्या होता है स्कैनर का? इट जनरेट्स द टोकन्स। ये आपके सोर्स कोड को रीड करता है और उन्हें टोकन्स में कन्वर्ट करता है। टोकन्स आपके सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिनका कुछ लॉजिकल मीनिंग होता है, लाइक आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट्स एक्सेट्रा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी स्टार सी, यही हमारा प्रोग्राम है। दिस इज द प्रोग्राम। तो लेक्सिकल एनालिसिस फेज क्या करता है? आपका कन्वर्ट करेगा इस स्टेटमेंट को इनटू वेरियस टोकन्स। और इस एग्जाम्पल में हमारे जो टोकन्स होंगे वो हैं आई डी इक्वल्स टू प्लस और स्टार। और कैसे ये टोकन्स में कन्वर्ट करता है ये हम आगे डिटेल में देखेंगे जब हम डिटेल में लेक्सिकल एनालिसिस फेज को डिस्कस करेंगे। अब ये सीक्वेंस ऑफ टोकन्स पास की जाती है सिंटेक्स एनालाइजर को। सिंटेक्स एनालाइजर को हम पार्सर भी कहते हैं और ये आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज करता है टोकन्स को पार्स ट्री में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज दिस इज आवर गिवन सीएफजी। तो इस ग्रामर के अकॉर्डिंग पार्सर ट्री टोकन्स को यूज करते हुए आपके पास ट्री जनरेट करता है। सी एफ जी क्या होती है, पास ट्री कैसे जनरेट की, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। और ये पास ट्री पास की जाती है सिमेंटिक एनालिसिस फेज को। सिमेंटिक एनालिसिस फेज क्या करता है? सिमेंटिक एनालिसिस फेज वेरियस टोकन्स को आइडेंटिफाई करता है और उनकी वैलिडिटी चेक करता है। लाइक अगर हम असाइनमेंट यूज़ कर रहे हैं, सपोज दिस एक्सप्रेशन इज असाइन टू आईडी। जब यहाँ कोई वैल्यू है तो ये वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन होनी चाहिए, तो इट विल चेक वेदर इट इज़ अ वेरिएबल और नॉट। इफ इट इज़ नॉट, इट विल रिपोर्ट एन एरर। सिमिलरली सिमेंटिक एनालिसिस फेज चेक्स द स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स, वेदर दे आर डिक्लेयर्ड विदाउट बिफोर देयर यूज और नॉट। सो इट रिपोर्ट्स द एरर इफ दे आर नॉट। द आउटकम ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस फेज इज हम कह सकते हैं डेकोरेटेड पार्स ट्री भी कहा जाता है इसे। और ये डेकोरेटेड पार्स ट्री पास की जाती है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में हमारे पास काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, लाइक थ्री एड्रेस कोड, पोस्टफिक्स नोटेशन, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ्स। बट मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो है थ्री एड्रेस कोड। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में क्या होता है, हम जो हमारा सोर्स प्रोग्राम है उसको इनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंटरमीडिएट कोड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। इंटरमीडिएट कोड हमारी हेल्प करता है, अगर हमें कोई नए प्लेटफॉर्म के लिए नया कंपाइलर बनाना है तो हमें उस प्रोग्राम को स्टार्टिंग से स्क्रैच से यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी कैन टेक द इंटरमीडिएट कोड एंड राइट द प्रोग्राम फॉर एनी अदर मशीन, सो इट हेल्प अस टू डू दैट। अब अगर हमारे इस प्रोग्राम को थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करें तो ये इस तरीके से होगा, T1 इज इक्वल्स टू B*C। सबसे पहले हम ये ऑपरेशन लेंगे B*C और इसको किसी वेरिएबल में इंस्टॉल कराएंगे। इसे थ्री एड्रेस कोड कहा जाता है क्योंकि हम यहाँ पे तीन एड्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, 1 for T1, 1 for B एंड 1 for C। सिमिलरली नाउ वी हैव B*C, हमें इस वैल्यू को A में प्लस कराना है। ये कैसे होगा, T2 इज इक्वल्स टू A+T1, बिकॉज T1 में क्या है, B*C की वैल्यू। एंड फाइनली दिस वैल्यू ऑफ T2 इज असाइन टू दी अनदर वेरिएबल दैट इज X। अब ये इंटरमीडिएट कोड पास किया जाता है आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन को। कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज क्या करता है, आपके कोड को ऑप्टिमाइज करता है ताकि आपका प्रोग्राम लेस स्पेस ले, लेस टाइम में एग्जीक्यूट हो सके और नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस करता है ताकि आपका प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना लगे ऑफ लाइंस। बहुत सारी कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं हमारे पास जिन्हें हम आगे देखेंगे डिटेल में। अभी अगर हमें अपने इस थ्री एड्रेस कोड को ऑप्टिमाइज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस वेरिएबल T2 को स्किप कर सकते हैं, लाइक T1 इज इक्वल्स टू B*C एंड X इज इक्वल्स टू A+T1। हमने डायरेक्टली क्या किया, T2 को रिमूव करके डायरेक्टली A+T1 का रिजल्ट मेमोरी लोकेशन X में सेव करवा दिया। Now this optimized code is given to the code generation phase. Code generation phase finally आपका target code generate करता है machine language में। Like हमारे example के लिए अगर हम मान के चलें value of A0 is assigned to the R0 and B to R1 and C to R2, तो मशीन कोड अगर इसके लिए लिखना है तो स्टेटमेंट जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय द इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई R1, R2। R1 में B की वैल्यू है, R2 में C की वैल्यू है, वी हैव टू मल्टीप्लाई B*C, तो मल्टीप्लाई R1, R2। देन वी हैव टू ऐड द वैल्यू ऑफ आर B*C विद A। दिस कैन बी डन एज A एड, A की वैल्यू किस में है, R0 में, और मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट किस में आया, R1 में। तो हमने मल्टीप्लाई की वैल्यू R1 को ऐड कर दिया R0 में। नाउ वी फाइनली मूव द रिजल्ट टू अ मेमरी लोकेशन फ्रॉम द रजिस्टर R0। R0 में आपका एडिशन का रिजल्ट आया और इस रिजल्ट को हमने मेमोरी लोकेशन X में मूव कर दिया। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ हाउ द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। इन द अपकमिंग वीडियोज वी विल डिस्कस ईच फेज इन डिटेल। नाउ सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, सम मोर थिंग्स टू नोट दैट the whole process or phases of the compiler are divided into two main phases. First is the analysis phase and second is the synthesis phase. Lexical analysis, syntax analysis and semantic analysis, these three phases makes the analysis phase. एनालिसिस फेज क्या है, ये मोर डिपेंडेंट है आपके सोर्स कोड पर और लेस डिपेंडेंट है आपकी मशीन पर, क्योंकि ये क्या कर रहा है एनालिसिस फेज, ये आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है इंटरमीडिएट कोड में।
Similarly, the code optimization and code generation phase. These two makes the synthesis phase. और synthesis phase आपका क्या होता है, ये more dependent है machine पे और less dependent है आपका source code पे, क्योंकि ये phase आपका code लिख रहा है machine के लिए, not for the source language. So analysis phase is also known as front end and synthesis phase is also known as back end. And the intermediate code generation phase combines the two. This is the intermediate code, this is the front end and the back end. Thanks for watching.